गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम द TSN स्कूल। नाउ विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 21, लेटर राइटिंग। ठीक है, लेटर राइटिंग आप एक ग्रामर का टॉपिक है जिसमें आप एक पत्र लिखते हैं। जैसे आप हिंदी में पत्र लेखन लिखते हैं ना हिंदी में, वैसे लेटर राइटिंग जो आपका लिखना होता है इंग्लिश में। देयर आर सो मैनी मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कॉन्टेक्टिंग द पीपल, बट द इम्पॉर्टेंस ऑफ लेटर कैन नॉट बी मिनिमाइज इन प्रेजेंट सिनेरियो। This serve as permanent documents for the organization and serve as record of event, etc. क्या कह रहे हैं कि आपके पास में आजकल मॉडर्न टेक्निक्स आ गई है, मीन्स आप मॉडर्न ज़माना आ गया, डिजिटल ज़माना हो चुका है, हर चीज़ हर लोगों के पास में मोबाइल फ़ोन अवेलेबल है, इंटरनेट है। ठीक है, तो उसके थ्रू हम लोगों से बात कर सकते हैं, मेल सेंड कर सकते हैं आराम से, मतलब हम किसी को भी कुछ भी सेंड ईजिली कर सकते हैं। बट जो एक लेटर होता है वो आज भी मतलब यूज़ होने वाली चीज़ है, और वो एक डॉक्यूमेंट्स की तरह या उसको आप रिकॉर्ड की तरह भी उसको यूज़ कर सकते हैं। वी राइट डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर्स इन रियल लाइफ। ठीक है, पहले के टाइम पे भी आपको पता था कि है ना, लोग जब अपना मतलब कम्युनिकेशन कैसे चलता था, पत्र के द्वारा ही चलता था, लेटर के द्वारा ही चलता था, एक दूसरे को लेटर लिखे जाते थे और उसमें काफ़ी इंटरेस्ट भी आता था लिखने में और उसका वेट भी लोग करते थे, तो काफ़ी अच्छा वाला मतलब एक फीलिंग्स होती थी उस टाइम पे। आजकल तो क्या है यार, एक सेकंड में मैसेज फॉरवर्ड हो जाता है। ठीक है, तो इतना मतलब एक एक्साइटमेंट भी खत्म हो गया है, या इतना वेट वाला जो सिस्टम होता था वो भी खत्म हो गया। बट पहले जो लेटर लिखते थे उसमें कुछ एक अलग ही मतलब होता था, फीलिंग्स भी जुड़ी हुई होती थी लोगों की काफ़ी, और काफ़ी अटैचमेंट भी उससे होता था, तो वो पत्र ऐसे एक दूसरे को लिखे जाते थे। ठीक है, अब जो फॉर्मल लेटर जो अपने लेटर्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है इनफॉर्मल लेटर और एक होता है फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं? इनफॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और इवन पेन फ्रेंड्स। मतलब इनफॉर्मल लेटर्स आप किसको लिख रहे हैं? ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक जिसे हम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो अनौपचारिक जो पत्र होते हैं वो हम अपने फ्रेंड्स को लिख सकते हैं, अपने रिलेटिव्स को लिख सकते हैं, या अपने कोई भी बचपन के दोस्त हो या कोई भी कलीग्स हो, जिनको हम मतलब इनफॉर्मल तरीके से मतलब है ना, जिनको हम नॉर्मली कुछ भी प्यार से बोल सकते हैं या हम जिनके साथ अपनी हर बातें शेयर कर सकते हैं, उस लेटर्स को जो हम अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स वगैरह को लिख रहे हैं उसमें हमें मतलब एक फॉर्मल बनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसमें हम इनफॉर्मली हम कुछ भी लिख के ऐसे अपने दोस्त को बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जब हम ना वो लेटर लिखते तो उसको हम क्या कहते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स के अंदर वो लेटर्स आते हैं। एक सेकंड पॉइंट होता है आपका फॉर्मल लेटर्स। तो फॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू बिजनेसमैन, फर्म्स, गवर्नमेंट और टू सम इन सम ऑफिसेस। ठीक है, तो इनफॉर्मल और फॉर्मल का डिफरेंसेस आपको समझ में यहाँ आ ही गया है कि इनफॉर्मल आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को लिख रहे हैं, और फॉर्मल लेटर्स जिसमें आपको मींस रिस्पेक्ट देना है, आपको उसमें ध्यान रखना है कि कहीं आपने कोई गलत बात तो नहीं लिख दी है या आपने कोई गलत तरीके से तो स्टार्ट नहीं कर दिया लेटर, तो उस तरीके से जब आप आदरणीय रेस्पेक्टेड करके जब आप लिखते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि वो हम लेटर किसको लिख रहे हैं, फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं। वो आप गवर्नमेंट को भी लिख सकते हैं या किसी ऑफिसर्स को लिख सकते हैं, उसमें आप अपनी शिकायत भी बताते हैं या अपना कोई किसी चीज़ की आपको नीड है तो वो आप अपील करते हैं। ठीक है, तो जब भी आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आप स्कूल में हैं, तो स्कूल में जब आप अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखेंगे, अगर आपको दो दिन की लीव ही चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो आप क्या करते हैं कि उसको फॉर्मल तरीके से लिखते हैं। उसी तरीके से अगर आप अपने किसी बड़े मतलब ऑफिसर्स को या किसी गवर्नमेंट से रिलेटेड या बिजनेसमैन किसी फॉर्म में आप लेटर लिख रहे हैं तो आप किस में लिखेंगे, उसको फॉर्मल लेटर के अंदर ही लिखेंगे। वहाँ आप हर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कहीं आपसे मिस्टेक तो नहीं हो रही है, आपने मतलब हर जो बात है वो अपनी सही तरीके से रखी है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि ये लेटर क्या हो गया, फॉर्मल लेटर के रूप में आ गया। अब एक जो एग्जाम्पल है वो पर्सनल लेटर के रूप में दिया है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड मनी फॉर द एनुअल स्कूल टूर। आपका स्कूल का टूर है, एनुअल, एनुअल मींस जो आपको एक साल में कोई भी ट्रिप लेके जाते हैं वो टूर है आपके स्कूल का, तो आपको अपने फादर से रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है, कि वो कुछ पैसे आपको सेंड करे और उसके थ्रू आपका जाएंगे स्कूल टूर पे जाएंगे। एस टी थॉमस पब्लिक स्कूल लखनऊ, 15th October 2000 दे रखा है इसमें। आप देखिए, तो अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं, TSN द स्कूल, ठीक है, लोहागल अजमेर। आप 15 अक्टूबर की जगह जो डेट है उसको चेंज करके कौन सी डेट लिखेंगे, जिस दिन आप ये लेटर लिख रहे हैं। मान लीजिए अगर हम ये लेटर आज पढ़ रहे हैं तो आज क्या है, 13 January 2021। अगर आप चाहे तो उसको जिस दिन आप मेंशन करेंगे डेट, वही डेट मेंशन करेंगे जिस दिन आप वो लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, लेटर डेट वही आएगी जिस दिन आपने वो लेटर टाइप किया है, जिस दिन आपने वो लेटर लिखा है, तो उसी की डेट आपको वहाँ मेंशन करनी है। माय डियर पापा,
आई रिसीव्ड योर काइंड लेटर yesterday एंड बिकेम वेरी ग्लेड टू रीड इट. कहते हैं कि मैं अपने आप मतलब मैं कल आपके लेटर कल मुझे आपका लेटर मिला पापा, तो मैं उसको पढ़कर काफ़ी खुशी हुई है मुझे. ठीक है, पापा आर स्कूल हैज़ अरेंज टूर टू नैनीताल, कि हमारा जो स्कूल है वो एक टूर है ना अरेंज कर रहा है कहाँ के लिए, नैनीताल जाने के लिए. आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन अवेलिंग ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू विजिट नैनीताल, और मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मीन्स मैं बहुत ज़्यादा है ना खुश हूँ कि मुझे कहाँ जाने की अपॉर्चुनिटी मिली है, नैनीताल जाने का मौका मुझे मिल रहा है, तो मैं वहाँ जाने के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ. We will leave on 22nd October and return by 30th October. तो अब इसमें डेट देखो, आपने 15 अक्टूबर को लेटर लिख रहा है, तो मतलब उसने गैप दिया. देखो 15 अक्टूबर से मतलब 20 के आसपास उसका लेटर पहुंचेगा, या दो दिन बाद वो लेटर पहुंचा तो वापस वो लेटर से ना उसके फादर पैसे भिजवाएंगे, तो उसने उस हिसाब से एक वीक का डिस्टेंस लेके वो लेटर लिखा है. और 22 को उसने क्या बताया कि 22 को तो हम जा रहे हैं और 30 को हम वापस आ रहे हैं. तो इसी तरीके से आपको भी अपनी डेट चेंज करनी है. अगर आपने वहाँ पर लिखा ऊपर 13 जनवरी 2021, तो आपको भी ये डेट चेंज कर देनी है. आपको वहाँ क्या लिख देना है, 22nd January एंड रिटन बाय 30th January. ठीक है, तो आपका भी लगभग 8-10 दिन का गैप उस लेटर के अंदर आ जाएगा. इस चीज़ का आपको बच्चों क्लियरली ध्यान रखना है, जब भी आप डेट मेंशन करते हैं तो लेटर वाली डेट जो होगी सबसे स्टार्टिंग वाली, वो उसी दिन की आएगी जिस दिन आपने वो लेटर टाइप किया है. और अगर बीच में कोई डेट आपको मेंशन करनी है तो वो आप उससे अंदाज़ा लगा के डेट चेंज करेंगे कि कितने दिन के हिसाब से आप उसको चेंज कर रहे हैं. ठीक है, हमेशा आगे वाली डेट. ऐसा नहीं होगा ऊपर आपने जनवरी 13 लिख दिया और नीचे आपने लिख दिया 5 जनवरी, तो मतलब वो तो पुरानी बात हो गई, तो ये तो लेटर मिस्टेक हो गया. ठीक है, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको डेट कैसे चेंज करनी है. क्या बताया उसने कि 22 को हम जा रहे हैं और 30 को हम वापस आएंगे. We have to deposit ₹800 for our train fare, food, lodging and sightseeing expenses. ठीक है, उसने क्या बताया कि हमें कितने रुपीस चाहिए, 800 रुपीस चाहिए, जो कि हमें सबमिट करने हैं, स्कूल में जमा कराने हैं. उसमें हमारा सारा खर्चा जो है, ट्रेन फेयर, वहाँ पे रुकने का, खाने पीने का, जो भी हम वहाँ पे साइट सीइंग मींस जो भी हम जगह वहाँ पर घूमेंगे देखेंगे, उन सब का जो एक्सपेंसिव है, जो भी खर्चा है, वो सारा कितना है, 800 हमको सबमिट करना है. I hope you will give me permission to go on this tour and send me ₹800 immediately. और उसने क्या अपने विनती की पापा से कि मैं मतलब आशा करता हूँ कि आप मेरे को इस टूर पे जाने की परमिशन भी दे देंगे और मुझे 800 रुपीज़ सेंड भी कर देंगे ताकि मैं इस टूर पे जा सकूँ. ठीक है, इमिडिएटली मीन्स जल्दी से जल्द. काइंडली कन्वे माई लव एंड रिगार्ड्स टू मम्मा, और नीचे क्या लिखा है कि मम्मा को और उनको मेरा प्यार और मतलब रिगार्ड्स देना, मतलब कहते हैं ना चरण स्पर्श या उनको मेरा नमस्ते कहना, इस तरीके से उनको मेरा प्यार कहना. योर लविंग सन हर्स, अब आप लविंग सन है, अगर आप गर्ल्स है तो आप उसको वहाँ पे लविंग डॉटर करके अपना नेम मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज बॉयज़ है तो वो योर लविंग सन करके अपना नेम मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, इस हिसाब से आपको इसमें चेंज करना है. स्टूडेंट्स, ऊपर सबसे पहले आपको अपना स्कूल का नेम चेंज कर देना है, TSN द स्कूल लोहागल अजमेर. डेट आपको 13 जनवरी 2021, अगर आप 14 को लिखते तो आप 14 जनवरी. ठीक है, जिस हिसाब से आप लेटर लिख रहे हैं आप उस हिसाब से उसको चेंज करेंगे. बीच में जो डेट दी है 22 अक्टूबर, उसको भी आप चेंज कर देंगे, 22 जनवरी से लेकर आप 30 जनवरी ही उसको लिख देंगे. नीचे आप अपना नेम मेंशन कर सकते हैं, बाकी का जो लेटर है वो इसी तरीके से चलेगा. ठीक है स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस प्लीज़ नोट इट डाउन इन योर नोटबुक, एंड थैंक यू ऑल.